अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहरुख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया था। इसमें हमने लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल करेंगे। प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन बी कर लिया है, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों का। जूलॉजी का हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे कर चुके हैं। सेक्शन सी में बॉटनी में रह गए हैं। हाँ, बॉटनी में अब हम क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, और देन फिर हमारे पास रह जाएगा मॉस और फर्न और फ्लावरिंग प्लांट्स की, और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन और मॉस और फर्न और फ्लावरिंग प्लांट्स रह जाएगा। इंशाल्लाह ये भी 1 या 2 वीडियोज़ में हम ये भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल द इवेंट्स विच टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल। पता चल रहा है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ये एक एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन बोथ है। ये दोनों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरोवेट में। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब भी ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होता है। इसमें ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। उसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होता है साइटोसोल में, अलॉन्ग विद एंजाइम एटीपी एंड एडीपी एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड। ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस में होता है, एक होता है प्रिपेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। इनिशियल स्टेज होती है रेस्पिरेशन की, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। ये 2 फेज में, एक होता है प्रीपेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। अब ये इस फेज में आपको पता भी चल रहा है कि प्रिपरेशन से निकला है। इस फेज में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एन एटीपी कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देन आगे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1,6-बायफॉस्फेट में बाय द अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन एटम। अब क्या होगा कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा। इसके बाद ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ फेजेस बुक से। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट में यूजिंग एन एटीपी कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट। देन आगे डिवाइड होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसराइड। और भी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि एटीपी जब कंज्यूम हुआ था, जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और एक एटीपी जब कन्वर्ट होगा जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट में होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों और एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इनकी अरेंजमेंट मतलब कि एल्डोज होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है कीटोज। फेज इस फॉस्फेट इस फेज में 3-फॉस्फोग्लिसराइड चेंज होता है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बाय कन्वर्टिंग NAD+ को हम NADPH2 में कर लेते हैं, और 2 हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम PGAL, जिसको पहले था PGA, मतलब 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जो बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, उसने लिया है पाए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और फिर उसने कन्वर्ट किया है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट के। इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। प्रोसेस में क्या होता है कि 4 ATP मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। एक जब बनता है जब हम 1,3-बायफॉस्फोग्लिसराइड को कन्वर्ट करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसराइड में। एक एटीपी जब बनता है जब हम 2-फॉस्फोग्लिसराइड को 2-फॉस्फोफिनोल पाइरोवेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनकी रीअरेंजमेंट होती है, फिर रीअरेंजमेंट के बाद 2-पाइरोवेट बन जाते हैं। तो ये जो रीअरेंजमेंट के बाद पाइरोवेट बनते हैं ना, इसमें भी 2 ATP फॉर्म होते हैं। तो 4 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 2 ATP मॉलिक्यूल्स तो यूज हो रहे थे ऊपर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जब कन्वर्जन हो रही थी, तो फिर नेट गेन ऑफ ATP 2 होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 बनते हैं, 4 ATP फॉर्म होते हैं लेकिन नेट गेन 2 होता है, और फाइनली ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरोवेट बन जाते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होता है ये पाइरोवेट। ग्लूकोज 6 था और 3 कार्बन कंपाउंड पाइरोवेट होते हैं, 3 2 6 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरोवेट और 3 होते हैं कार्बन 1 में। ग्लाइकोलाइसिस अकर होता है साइटोसोल में, जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज पास ATP ATP में हो गई फॉस्फोराइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP प्रोडक्शन। साइकिल दी हुई है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट, फिर आ गया यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल डीआर के बाद 2 मॉलिक्यूल्स है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट के, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर फॉस्फोफिनोल पाइरोवेट, इसकी रीअरेंजमेंट हुई। यहाँ पे 6 भी दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन बाय रिमूवल ऑफ वाटर गिव्स 2 PEP मॉलिक्यूल ईच विद अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड 2 ATP 2 ATP में हो गया, फिर पाइरोवेट बन गया। रिमूवल ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बाय 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नेट एनर्जी का ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है, क्योंकि 4 बने थे 2 यूज हो गए 2 ATP के, यहाँ पे नेट हो गया। पाइरोवेट एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन अकर होती है तो फिर पाइरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और फर्दर उसकी ब्रेकडाउन होगी। यहाँ पे ये और 2 ATP भी बन रहा है, तो ये
एनएडीपी भी बन रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड जब बन रही वाई फॉस्फोग्लिसराइड में हो रहा है तो 2ANAD 2NADP में कन्वर्ट हो रही है, 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। क्रेब्स साइकिल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन उसमें पाइरूवेट जो है ना वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करवाना फर्ज है। अब इसमें एक पाथवे होता है कि ऑक्सीडेशन होती है पाइरूवेट की और वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस द पाइरूवेट कंबाइंड विद H2O टू फॉर्म अ कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को ए और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। अब जो एसिटाइल को ए है ना वो आगे जाके क्रैब साइकिल में फिर साइक्लिक सीरीज में एंटर हो जाता है। एसिटाइल को एक कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है और को एंजाइम ए भी पार्टिसिपेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एसिटाइल को एंजाइम पासिस होता है थ्रू अ साइकिल ऑफ केमिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं क्रैब साइकिल। यहाँ पे एंजाइम नहीं है, यहाँ पे आप एसिटाइल को ए लिखिएगा, ये गलती से एंजाइम लिख दिया है। क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एसिटाइल को ए आगे कंबाइन होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से और चेंज करेगा उसको साइट्रिक एसिड, दैट्स वाई हम ये कहते भी हैं कि ये साइट्रिक एसिड साइकिल है, क्रैब साइकिल, इसलिए इसको नेम दिया था क्योंकि ये एच ए क्रैब ने डिस्कवर किया था, दैट्स वाई। साइट्रिक एसिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द साइकिल एक साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो दैट्स वाई इसको साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। और TCA भी इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 कार्बन एटम से कंबाइन होता है, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए रिलीज होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है और अनदर ऐड हो रहा है बैक में, सो साइट्रिक एसिड जो है ना वो आइसोमराइज हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड में, जो थ्रो होता है आइसोआइसोनाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, एसिड है वो आगे कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट एसिड में, जो मैं अभी बता चुकी हूँ थ्रो वाटर यूज होता है। आइसोसाइट्रेट एसिड वापस से प्रोड्यूस करता है ऑक्सैलोसैनिक एसिड और बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद NADP और फॉर्म करता है NADH2। ऑक्सैलोसैनिक एसिड है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और देन चेंज करता है अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लुटरिक एसिड जो है ना वो फर्दर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ को ए जो फॉर्म करता है ऑक्सैलोसैनिल को ए। इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन लिबरेट हो रहे होते हैं और कंबाइन हो रहे होते हैं विद NADP टू फॉर्म NADH2। अभी मैं बता रही हूँ फिर मैं साइकिल से समझाऑंगी तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब यहाँ सुक्सेनल को ए है वो कंपाउंड फिर को ए जो है वो रिलीज होता है, ये फिर सुक्सेनिक एसिड में बन जाता है क्योंकि को ए निकल गया। इस प्रोसेस में ATP कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन ऑफ ADP। सुक्सेनिक एसिड जो है ना वो कन्वर्ट होंगे फॉर्मेरिक एसिड में और इस प्रोसेस में NAD इंस्टेड ऑफ NAD ये कन्वर्ट होते हैं, ये रिसीव करते हैं FAD को जो 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सुक्सेनिक एसिड। फॉर्मेरिक एसिड आगे चेंज होता है मैलिक एसिड में बाय द रिलीज ऑफ H2O। इन द फाइनल फेज क्रैब साइकिल में जो साइट्रिक एसिड साइकिल है या जो मैलिक एसिड है ना वो आगे कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में और इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन लिबरेट हो रहे होते हैं और कंबाइन होते हैं NAD से, तो फिर क्या होता है NADH2 बन जाता है। अब क्या होगा कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अगेन पिक करता है एक अनदर एसिटाइल को ए और क्रैब साइकिल स्टार्ट वापस से हो जाती है, एसिड अगेन पिक करता है एक अनदर एसिटाइल को ए और क्रैब साइकिल चलती रहती है, जब तक एसिटाइल को ए अवेलेबल है जब तक क्रैब साइकिल चलती ही रहेगी। यहाँ पे दिया हुआ है क्रैब साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, स्टेप 1 ये है कि ये एसिटाइल को ए ऐड करता है 2 कार्बन फ्रैगमेंट को टू ऑक्सैलोएसिटेट और 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जो अनस्टेबल होता है जो मैंने आपको बताया था और फिर वो आगे ऑक्सैलोएसिटेट में क्या ब्रोक हो जाता है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 1। स्टेप टू में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है और अनदर वापस से ऐड होता है, तो इसमें नेट रिजल्ट जो है वो कन्वर्जन ऑफ आइसो जो साइट्रेट है वो आइसोसाइट्रेट में बन जाता है, आइसोमर जो दोनों एक दूसरे के हैं। स्टेप 3 में सब्सट्रेट लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को और फिर रिमेनिंग 5 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूस करते हैं NAD+ को टू NADH। स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 में इसमें क्या होता है कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सिमिलर होते हैं, मतलब क्या होता है कि पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल को ए में, ये 4 है। सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन अकर होती है इस प्रोसेस में स्टेप 5 ये रहा है जो डिस्प्लेस कर देता है, कोए डिस्प्लेस कर देता है एक फॉस्फेट ग्रुप को और जो ट्रांसफर करता है जिससे GTP बना लेता है, ATP से यहाँ पे ADP से ATP बन जाता है स्टेप 5 में।
देन स्टेप सिक्स है अनदर ऑक्सीडेटिव स्टेट है टू हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है एफ ए डी सी टू फॉर्म एफ ए डी एच टू. ये बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट आर रीअरेंज होते हैं और फिर क्या होता है कि एडिशन होती है वाटर की. स्टेप सेवन में एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है और फिर क्या होगा, ये स्टेप एट है, ये लास्ट ऑक्सीडेटिव स्टेप है जो प्रोड्यूस करता है एन द मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी एच और फिर रीजनरेट करता है ऑक्सैलो एसिटेट को जो एक्सेप्ट करते हैं टू कार्बन फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एसिटाइल को ए फ्रॉम अनदर टर्न ऑफ द साइकिल. यहाँ पे एन ए डी एच हो गया, ये बन गया आंसर. फोर कार्बन कंपाउंड बन रहा है ना, तो फोर कार्बन कंपाउंड ही हमें चाहिए था. अल्हम्दुलिल्लाह क्रैब साइकिल भी हो गया है. अगर नहीं समझ आया होगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. ये क्वेश्चन आंसर्स है ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई ये बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो जितना लिखा हुआ है बस उतना ही समझाऊँ. अगर ना समझ आया हो तो इंशाल्लाह हम बुक से लाइन टू लाइन करेंगे तो समझ आ जाएगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर सो लेट मी नो, इंशाल्लाह विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू. सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज़.